होप यू ऑल आर सेफ एट होम। आई एम योर हिंदी टीचर अनुकमा राठौर फ्रॉम दीप ज्योति स्कूल। आज मैं हिंदी का अब सेकेंड क्लास की हिंदी का फर्स्ट चैप्टर प्यारा गीत पढ़ाऊंगी। प्यारा गीत फर्स्ट चैप्टर है आपका प्यारा गीत। सूरज के उगते ही चिड़िया मीठा गीत सुनाती है, चूँ 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 चिं 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 बोल बोल कर सबको खुश कर जाती है। सूरज के उगते ही चिड़िया मीठा गीत सुनाती है, सूरज के निकलते ही चिड़िया मीठा गाना सुनाती है। ठीक है ना, बहुत ही मीठा मीठा गाना सुनाती है। अब किस तरह से गाना सुनाती है वो, चूँ चूँ चिं 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 बोल बोल कर सबको खुश कर जाती है। इसमें वो किस तरह की आवाज़ करती है, चूँ चूँ और चिं चिं की आवाज़ करके और सबको खुश कर देती है जैसे। और इस कविता में क्या संदेश मिलता है, कवि क्या कहना चाहता है इसमें, कवि कहना चाहता है कि पशु पक्षी हमसे प्रेम करते हैं और वो हमारे हमें संदेश देते हैं। जैसे चिड़िया की चहचहाट से क्या पता चलता है कि सूर्य उदय हो गया है और अब हमें उठ जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए, आलस्य त्याग देना चाहिए। दूर दूर तक पर फैला कर दाना चुगने जाती है, तिनका तिनका चुनकर कैसे अपना नीड बनाती है। दूर दूर तक पर फैला कर, पर यहाँ क्या है पंख, ठीक है, दाना चुगने जाती है। दूर दूर तक पर फैलाकर, अपने पंख फैलाकर और क्या दाना चुगने के लिए जाती है। और तिनका तिनका चुनकर कैसे अपना नीड बनाती है, तिनका तिनका चुनकर और अपना घोंसला बनाती है। चिड़िया को बहुत ही मेहनती बताया गया है, उससे हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें भी उसकी तरह मेहनती बनना चाहिए। जैसे वो थोड़े से दानों के लिए पर फैलाकर पंख फैलाकर अपने बहुत दूर दूर तक जाती है और अपना घोंसला बनाने के लिए एक छोटा छोटा तिनका ला ला कर घोंसला बनाती है। चिड़िया का घोंसला बहुत ही सुंदर बनता है, ठीक है ना, और ऐसे गूंथ कर बनाती है जैसे कोई सुई धागा लेके तिनके धागे, ठीक है ना, इस तरह के वो घास फूस लाकर इस तरह से सुंदर सा घोंसला बनाती है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहना चाह रहा है, सर्दी गर्मी वर्षा को भी हंसकर वह सह लेती है, आप खुशी से जीती है और खुशियाँ ही फैलाती है। सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बारिश का मौसम हो, वह हंसकर सब कुछ सहन कर लेती है। ठीक है, चाहे कितने भी कष्ट आए वो सहन कर लेती है, आप खुशी से जीती है और खुशियाँ ही फैलाती है, और खुद भी खुशी से जीती है और सभी सभी को खुश देखना चाहती है, सबको खुश रखती है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चलता है कि जो भी जैसे कितने भी संकट आ जाए, जैसे चिड़िया पर क्या सर्दी गर्मी और वर्षा के बारिश के संकट आ जाते हैं, ऐसे ही हमारे भी चाहे कितने दुखों के संकट आ जाए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे चिड़िया खुश रहती है और औरों को भी खुशी देती है, क्योंकि अगर हम दुखी हैं तो हमारा परिवार दुखी होगा, परिवार दुखी है तो क्या है पड़ोस वाले दुखी रह जाएंगे कि भाई इन पड़ोसियों की क्या तकलीफ है, कैसे दुखी दुखी रहते हैं, भाई बंधु रिश्तेदार सभी दुखी दुखी हो जाएंगे। तो इस तरह से जैसे चिड़िया सबको खुश रखती है, वैसे ही हमें हर कष्ट को सहन करते हुए भी कि खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो इस पाठ से हमें क्या समझ आती है कि चाहे चिड़िया जो पक्षी हैं, चाहे जीव जंतु है, वो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे संदेश देते हैं। जैसे पहले पैराग्राफ में क्या संदेश दिया है कि चिड़िया जब चूँ चूँ ची ची करके चहचहाती है तो आपके मन खुश होता है उसका मीठा गीत सुनकर, और हमें पता चलता है कि सुबह हो गई है। दूसरे पैराग्राफ से आपको क्या पता चलता है कि चिड़िया बहुत मेहनती है, ठीक है ना, दूर दूर तक पंख फैला कर जाती है और दाना चुग चुग कर एक एक दाना चुग चुग कर लेकर आती है। उसी तरह से तिनका तिनका लाकर अपना घोंसला बनाती है। तो चिड़िया की तरह हमें भी क्या करनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए, हर एक चैप्टर को हर एक शब्द को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसी तरह से सर्दी गर्मी बरसात में जैसे वो सब कुछ सहन कर लेती है और खुशी से जीती है और सबको खुशियाँ फैल देती है, इसी तरह से हमें भी चाहे कितने भी कष्ट आ जाए जीवन के, हमें भी नहीं घबराना चाहिए, हमें भी नहीं डरना चाहिए और हंस हंस कर जीवन को खुशहाल बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्या हो गया, कविता पूरी हो गई। बहुत ही सुंदर कविता है, आप इसे याद करेंगे और एक दूसरे अपने मम्मी पापा को गाकर सुनाएंगे, क्योंकि अगर स्कूल में होते तो एक दूसरे को बोलकर सुनाते, अब अपने मम्मी या पापा को ये कविता याद करके सुनाएंगे। बहुत ही सुंदर कविता है। सूरज के उगते ही चिड़िया मीठा गीत सुनाती है, चूँ 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 ची 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 बोलकर सबको खुश कर जाती है। इस तरह से आप कविता इसको याद करोगे और सुनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से आ जाएंगे। अब देखिए, अब शिक्षा क्या मिलती है इस कविता से हमें, प्रकृति जीवों के माध्यम से नित प्रति काम करने का संदेश देती है।
जैसे चिड़िया कितनी मेहनती है और वो किस तरह से सुबह जल्दी उठकर चींची चहकना चालू कर जाती है, मतलब सुबह जल्दी उठती है, इसी तरह हमें भी जल्दी उठना चाहिए। दूसरा है आपका शब्दार्थ, गीत गाना। गीत का मतलब क्या है? गाना, उगते निकलते, नीड़ यानी घोंसला, वर्षा यानी बरसात बारिश। सोचो और बताओ, प्रातःकाल चिड़िया उड़कर कहाँ जाती होगी? प्रातःकाल चिड़िया उड़कर दाना चुगने जाती है। अपना आप अपना घर बनाने के लिए क्या करेंगे? हम अपना घर बनाने के लिए जैसे चिड़िया तिनका चुग चुग कर और अपना घोंसला बनाती है, उसी तरह हम भी बहुत मेहनत से पैसे इकट्ठे करेंगे और घर बनाएंगे। उसके लिए हम सीमेंट, बजरी, रोड़ी और लोहा आदि एकत्रित करेंगे और अपना घर बनाएंगे मेहनत से। नीचे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर मैं एक बार आपको बता देती हूँ, और वैसे मैं आपको ये पिक भेज दूंगी जिससे आप कॉपी में कर पाओगे। बस ओनली ये गए वाले क्वेश्चन आंसर 4 आपको कॉपी में करने हैं, बाकी सभी बुक में फिल करना है। देखिए, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। सुबह सुबह चिड़िया क्या करती है? सुबह सुबह चिड़िया मीठा गीत सुनाती है। कौन सा? चूं चूं चिंची चिड़ वाला गीत सुनाती है। पंख फैलाकर चिड़िया क्या चुनने जाती है? पंख फैलाकर चिड़िया दाना चुनने चुगने जाती है। चिड़िया हंस हंसकर क्या सह लेती है? चिड़िया हंस हंसकर सर्दी, गर्मी और बारिश सहन कर लेती है। चिड़िया क्या फैलाती है? चिड़िया अपने पर फैलाती है। ठीक है, पर या पंख फैलाती है, या आप चिड़िया हमें क्या फैलाती है? चिड़िया खुशियां भी फैलाती है। ठीक है ना, हंस हंसकर सबके खुद भी खुश रहती है और सबको खुशियां फैलाती है। ठीक है ना, और उसके बाद आप देखेंगे इसमें चिड़िया किसके, इसमें देखेंगे आप चिड़िया किसके उगने पर गीत सुनाती है? सूरज के। चांद के उगने पे थोड़ा ना, चांद के उगने पे तो सभी सोने की तैयारी में हो जाते हैं। चिड़िया का गीत कैसा होता है? मीठा। चिड़िया क्या चुन कर लाती है? दाना। चिड़िया अपना नीड़ किससे बनाती है? तिनकों से। ईंट से थोड़ा ना बनाएगी, तिनकों से। अब कविता की पंक्तियां, जब आप कविता पूरी अच्छे से याद कर लोगे तो कोई भी पंक्तियां आपसे पूछे आप उनको पूरा कर पाओगे। जैसे मान लो ये तो ये पूछा है, दूर दूर तक पर फैलाकर, इसमें क्या भरोगे? पर। दाना चुगने जाती है, दाना चुगने। तिनका चुन, तिनका तिनका चुनकर कैसे अपना नीड बनाती है? इस तरह आपके और भी जैसे कविता का पूरा जो है उसमें से भी कोई पूछ सकता है। जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा को भी खालिस्तान वह सह लेती है हंसकर। आप खालिस्तान से जीती है और खालिस्तान ही फैलाती है, तो आप क्या लिखोगे इसमें? आप खुशी से जीती है और खुशियां ही फैलाती है। जैसे यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपके रख दे, जैसे हंसकर या खुशी, खुशियां, तो आपके क्या आ सकता है? इस तरह से आएगा, सर्दी, गर्मी, वर्षा को भी खालिस्तान वह सह लेती है हंसकर। ठीक है, आप खालिस्तान से जीती है और खालिस्तान ही फैलाती है, तो आप क्या लिखोगे? आप खुशी से जीती है और खुशियां ही फैलाती है। इस तरह से इस कविता में से कहीं से भी पंक्तियां आपको बीच में से छोड़कर पूछा जा सकता है। आपको ये कविता पूरी याद करनी है। अब बहुवचन कैसे बनाते हैं? जैसे चिड़िया का क्या हो जाएगा? चिड़िया का चिड़िया, इस पे क्या हो जाएगा? चंद्र बिंदु लग जाएगा। तिनका तिनके, खुशी, खुशियां, इसमें क्या हो जाएगा? बड़ी ई की मात्रा छोटी हो जाएगी और या लग जाएगा। इस तरह से क्या है, बहुवचन बनाए जा सकते हैं। बहुवचन वे शब्द होते हैं जिनसे एक से अधिक का भाव प्रकट होता है। और इसके बाद आपके ये चैप्टर पूरा हो गया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जो आपको अच्छे से इस कविता को याद करना है और अपने मम्मी पापा को सुनाना है, और स्कूल में जब आप आओगे तो अपने टीचर को सुनाना है। ठीक है, थैंक यू।